हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बताने वाला हूं किसी भी प्रोफाइल को, फेसबुक प्रोफाइल को कैसे कन्वर्ट करें प्रोफेशनल मोड में। प्रोफेशनल मोड में चेंज करने के लिए कुछ ही स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप है, दो तीन स्टेप्स ही हैं। उस स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपने दिखाऊंगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप, 5 मिनट का काम है। मैं आपका नॉर्मल प्रोफाइल को चेंज कर दूंगा प्रोफेशनल मोड में। तो गाइस, आपको नॉर्मल जो प्रोफाइल होता है फेसबुक का, बहुत ही सिंपल दिखता है, बहुत ही आसान सब कुछ दिखता है। वो भी आसान है, लेकिन आप जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको, मतलब जो 3 दिन एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको वो भी आसान लगेगा। लेकिन जो सिंपल दिखते हैं, जो पहले से प्रोफाइल जो होता है नॉर्मल प्रोफाइल, उसमें आपको जब कोई पोस्ट करते हैं तो लाइक दिखता है और कमेंट दिखता है, और आपका मतलब प्रोफाइल में जो फ्रेंड्स होते हैं, मैक्सिमम 5000 फ्रेंड्स ही होते हैं, तो उसमें आपको इनसाइट्स नहीं दिखता है। तो मतलब आप कन्वर्ट जब कर देंगे प्रोफेशनल मोड में, उसमें आपको दिखेगा फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे आपके फॉलोवर्स में, और मैक्सिमम जो लिमिट होता है 5000 का, वो आपका अनलिमिटेड हो जाएगा। जितना भी फॉलोवर्स रहे वहां, मतलब आगे बढ़ते जाएगा, 5000 मैक्सिमम नहीं रहेगा वहां पे। और इनसाइट्स देखने को मिलेगा वहां पे दिखेगा लाइक कहां से हो रहा है, कहां से ज्यादा दिख रहे हैं, किस एज का आदमी ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब एक प्रोफेशनल पेज बन जाएगा, बहुत अच्छा था उसका, मतलब बहुत अच्छे से दिखेगा वो पेज आपको, एकदम लुक बहुत अच्छा रहता है। और जब कोई वीडियो डालेंगे आप जैसे नॉर्मल प्रोफाइल में, तो वहां आपको व्यूज नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप जब उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोफेशनल मोड में, तो वहां पे आप जब वीडियो डालेंगे तो आपको वहां पे व्यूज भी दिखाई देगा। जैसे आप, मतलब कितना व्यूज हुआ हमारा वीडियो, हम जो वीडियो डाले आज हमारा 24 घंटे में कितना व्यूज हुआ, तो व्यूज भी दिखाई देंगे। तो एक प्रोफेशनल लुक देता है ये पेज, इस एक तरह से पेज बोल सकते हैं। मतलब हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल प्रोफाइल मतलब क्लासिक प्रोफाइल टू प्रोफेशनल मोड। प्रोफेशनल मोड मतलब पेज, एक पेज बन जाता है हमारा, वही सेम पेज, मतलब सेम प्रोफाइल ही, हमको अलग से कोई पेज को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अपना जो प्रोफाइल होता है हमारा, ऑटोमेटिक जो 5000 जो हमारा फ्रेंड्स होता है, वो फ्रेंड्स 5000 ऑटोमेटिक हमारा फॉलोवर्स में चेंज हो जाएगा। हमारे जितने लाइक्स आएंगे, हमारा मतलब जितने व्यूज होंगे, वो सारे हमारे चेंज हो जाएंगे हमारे पेज में, मतलब काउंट होने लगेगा सब कुछ। तो गाइस, लेट किस बात की है, चलते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, वहां पे स्टेप बाय स्टेप देखिए, अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए। 5 मिनट का काम है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। आप भी अपने प्रोफाइल को, फेसबुक प्रोफाइल को, नॉर्मल प्रोफाइल को आप अपना प्रोफेशनल मोड में चेंज कर लीजिए। तो गाइस, हम लेके चलते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सबसे पहले आप अपना फेसबुक को अपडेट कर लीजिए, गूगल प्ले से या फिर ऐप स्टोर से। फेसबुक को अपडेट करने के बाद आप फेसबुक एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन क्लिक कीजिए, आप अपना प्रोफाइल फोटो में क्लिक कीजिए। फोटो में क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में 3 डॉट आएगा, 3 डॉट में आप क्लिक करेंगे। 3 डॉट में जब क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे पहले आएगा कॉपी लिंक, कॉपी लिंक नीचे लिखा है योर प्रोफाइल लिंक, वहां पे कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप सीधे बैक आ जाइए, वहां पे कुछ नहीं है। सीधे बैक आने के बाद आप मेन मेन्यू में जाइए, मेन मेन्यू में जाने नीचे राइट साइड में जो है आपका मेन मेन्यू नीचे में, तो वहां पे मेन मेन्यू में क्लिक कीजिए। आप मेन मेन्यू क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल करके हेल्प सपोर्ट है, हेल्प सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। हेल्प सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको हेल्प सेंटर आएगा, वहां पे हेल्प सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक हेल्प सेंटर खुल जाएगा। तो वहां पे फेसबुक हेल्प सेंटर में आप अपना, मतलब वहां सर्च करना है, सर्च बार है, वहां पे सर्च करना है प्रोफाइल टू पेज आपको सर्च करना है। वहां पे सर्च करने के बाद आपको वहां पे बहुत सारे लिस्ट आएगा, लेकिन 4th नंबर में आपका जो लिखा हुआ है हाउ डू आई स्विच इन टू माई प्रोफाइल और पेज इन द न्यू एक्सपीरियंस पेज, मतलब जो है आपका, मतलब 4th नंबर पे है जो आपका, तो 4th नंबर पे आपका हाउ डू आई स्विच माई प्रोफाइल टू पेज इन द न्यू पेज एक्सपीरियंस, ये 4th नंबर पे जो है आपका, उसी पे क्लिक करना है, ऊपर नीचे और दूसरे पे क्लिक नहीं करना है। गौर से इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसी चीज पे क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरा नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा आपका, उस इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा हेल्प सेंटर का, फेसबुक का। तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे में जो आएगा वाज दिस हेल्पफुल, वहां पे आपको यस और नो पे क्लिक करने के लिए आपको आएगा ऑप्शन, लेकिन यस पे क्लिक नहीं करना आपको, ये गौर रखिएगा। नो पे क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन पे व्हाट वेंट रॉन्ग में दूसरा नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए। दूसरा नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे, मतलब टिक करेंगे, तो उसके बाद आपको एक बॉक्स आ जाएगा लिखने के लिए, आप जो लिंक वहां से कॉपी किए थे प्रोफाइल का, उस प्रोफाइल लिंक को आप यहां पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट अगर सिंपल अगर आप मतलब होल्ड करेंगे वहां पे, तो आपको वहां मतलब पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 1-2 वर्ड पहले ही टाइप कर देना है, उसके बाद फिर मतलब स्पेस दे करके होल्ड करना है अंगूठा, फिर आपको मतलब जैसे हम होल्ड करेंगे तो आपको वहां पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर जो पहले लिखे थे 1-2 वर्ड उसको आप डिलीट कर दीजिए और लिंक को रहने दीजिए, लिंक को छेड़छाड़ नहीं कीजिए। फिर उसके बाद इंटर कर दीजिए 2-3 बार, उसके बाद नीचे आने के बाद आपको वहां पे मतलब कुछ लिखना है, मतलब हाय फेसबुक टीम, तो हाय फेसबुक टीम जो लिखेंगे आप वहां पे,
उस मतलब फेसबुक को आप मतलब कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप उसको कुछ बोलना भी है लिंक के साथ, अपना प्रोफाइल का लिंक के साथ। तो इस तरह से आप अपना मतलब वहां पे कुछ रिक्वेस्ट दे दीजिए कि जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ सेम चीज आप कॉपी कर दीजिएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक नहीं, मैं मतलब ये चीज कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन आप सेम चीज यहाँ पे जो लिखे हैं सेम चीज आप कॉपी कीजिए वहां पे, मतलब सिर्फ लिंक के अलावा बाकी जो लिखे हैं वही चीज आप लिखिएगा। मतलब हाय फेसबुक टीम, आई वांट टू चेंज माय क्लासिक प्रोफाइल इनटू प्रोफेशनल मोड एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट वर्किंग, प्लीज फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल रिगार्ड। नाम अपना दे दीजिए वहां पे, नाम देने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट जैसे करेंगे आप वहां पे, तो सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा थैंक्स का, थैंक यू उस थैंक्स का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। योर फीडबैक हेल्प्स इंप्रूव दिस आंसर फॉर एवरीवन। तो इस तरह से आपको फीडबैक मिलने के बाद आपको वहां पे बैक आ जाना है और कुछ नहीं करना है, और उसके बाद आपका कुछ ही घंटे में मतलब 24 घंटा या 48 घंटा या हफ्ता दिन लेगा, इस तरह से आपका पेज एक प्रोफाइल क्लासिक प्रोफाइल टू प्रोफेशनल मोड में आपका पेज चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका व्यूज इनसाइट्स वगैरह सब वगैरह दिखने लगेगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय।